श्री दादाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सभी स्ट्रीम में बीटेक एमटेक एमसीए एमबीए डिग्री वो भी एमपी की बेस्ट फैकल्टी के साथ उपलब्ध है। एडमिशन एवं काउंसलिंग के लिए संपर्क करें अथवा इंदौर रोड पर कॉलेज में विजिट भी कर सकते हैं। और उनके विषयों को आरसे जी ने रखा वहाँ पे, मगर उसके पहले एमआईसी की मीटिंग थी, उसमें हम सभी लोग जाके मिले थे कि अगर एमआईसी के अंदर इनके मुद्दे कभी हैं तो हम एमआईसी में ही कर देंगे, और एमआईसी में नहीं होंगे तो कोई बात ही नहीं, फिर शासन को बचाएंगे। वही विषय में हमने फिर बैठक करी तो दो जो मांगे थी, एक मकान वाला और दूसरा 25 दिन से 30 दिन वालों को करने का, तो ये दो विषय तो यही एमआईसी के थे, वो तो मेरे इन काउंसिल ने कर लिए। महापौर जी के योग से हम सभी लोग बैठे थे और ये प्रस्ताव हमारे हो चुके हैं, और जो शासन की इनकी कुछ मांगे हैं वो कमिश्नर साहब और सारे लोगों ने हमने शासन तक पहुँचा दी है। शासन अब उनका काम करेगा, ये हमारी इनकी मांगों को जो जो होगी वो शासन स्तर पर और शासन स्तर पर पहुंचा दी। जी बताइए, आज जो नगर निगम एमआईसी की बैठक हुई उसमें क्या निर्णय निकला? पहली चीज तो एमआईसी की बैठक नहीं थी, ये हमारे जो भुसावल से हमारे वाल्मीकि समाज के शान हमारे बड़े भाई संतोष भारती जी, आज वो बहन से मिलने आए थे, जो हमारे रंजीता बहन जो अपने आज 15-20 दिन से जो अनशन में बैठी हुई है, कहीं ना कहीं उनको दुख दर्द था बहन से, वो उनकी हालत देखती नहीं गई, वो भी आज समाज की ओर हिचे चले आए यहाँ पर। आज बहन से उन्होंने हलचल जाना, अपना समर्थन दिया और संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर काम बंद करने के लिए भी अपनी इच्छा जताई उन्होंने। अंदर वो सभी बहन से बात करने के बाद में अंदर कमिश्नर से बात करने गए थे, कमिश्नर मोदी की भी हमने बात सुनी, उनकी बातें भी थोड़ी बहुत हमारे समझ में आई है, कुछ बातें हमने भी उनको रखी, कुछ बातें संतोष भाई साहब ने उनको रखी, और ये सारी बातें होने के बाद में फिर मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ मानता हूँ कि एमआईसी के अंदर जो हमारे खंडवा शहर के जो सदस्य लोग उसमें जुड़े हुए हैं, ये हमारे हितैषी तो हैं, हम मानते तब कि हमारे हितैषी हैं, लेकिन हितैषी होने के नाते इन्होंने बोले हमने मीटिंग के अंदर ये निर्णय पहले ले लिया था कि बोले हमने इनकी सारी बातें मान ली है, बाकी ये बोले खुद ही धरना प्रदर्शन वो हट नहीं रहे। तो मैं ये मानता हूँ कि भाई हड़ताल हम लोग कर रहे हैं, मीटिंग इनके संग हुई है, हमने भी उनसे पूछा तो बोले आपके लोग तो मैंने हमारा लोग एक भी नहीं था जब पहले जो मीटिंग करी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मीटिंग के अंदर हम लोगों को बुलाया जाए, मीटिंग हमसे होना थी, और अगर तुमने दो चीज़ें मान भी ली, अभी सुनने में आया उन्होंने कि बोले दो चीज़ें हम मानते हैं और एक तुम्हारी जो मांग है अपने जो प्रदेश स्तरीय है वो प्रदेश तो होगी, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन जो यहाँ की मांगे थी जो तुमने दो मान लिए तो उसका कुछ तो हमको प्रूफ देते, या मीडिया में आपके कोई बयान जारी होना थे आपके प्रतिनिधिमंडल के यहाँ के, या कोई हमें कोई पर्चा देना था। हाँ हम मानते हैं कि भाई इसकी कार्यप्रणाली बनाने में टाइम लगता है कि भाई हम जब तुम्हारा मकान मालिकाना हक तुम्हें देंगे तो सर्वे करवाएंगे, हम मानते हैं उसमें टाइम लगेगा और बाकायदा वो होगा भी, लेकिन तुम्हारी तरफ से एक स्पष्टीकरण वाला एक जवाब या हमको कुछ तो प्रूफ हो देना था मतलब हमको, तो कम से कम हम थोड़ा भी विचार विमर्श करते। तो मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि अंदर से जो इनकी मीटिंग हुई है, जो भी लोगों की इनकी मीटिंग हुई है, जो भी इनकी चर्चा हुई है, इनका स्पष्टीकरण का कोई भी जवाब नहीं आना ही मतलब हम लोगों के अंदर इतना रोष पैदा करा जो हम यहाँ बैठे हुए, हम हर चीज़ में समझौता करने के लिए तैयार थे, लेकिन हम भी मानते हैं कि भाई दो मांगे अगर तुमने बोल दिया हमने मान ली है, एक 25 दिन वाली और एक मकान मालिका ना कर, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इन दो ही चीज़ों का आपकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण दे, क्योंकि हमारे लोगों को गलत फहमी फैलाई गई है खंडवा शहर के अंदर, वो भी हमारे समाज के लोगों के अंदर गलत फहमी फैली है कि भैया एमआईसी के लोग मान गए ये लोग जबरदस्ती बैठे हुए, हमको सपना नहीं आ रहा साहब कि हम जबरदस्ती यहाँ पर बैठेंगे, है ना, हम भी बच्चे छोड़ के यहाँ पर आते हैं, समय देते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें कोई मज़ा नहीं आ रहा कि हम सड़क किनारे बैठे हुए, लेकिन आपकी तरफ से स्पष्टीकरण का जवाब कोई नहीं आना, इसी बात के ऊपर से आज हम लाइन पर बैठे हुए। मैं चंदन वाल्मीकि भीम आर्मी से जिला अध्यक्ष। जी हाँ,
आप दांतों की बत्तीसी की समस्या से पाएं निजात। बार बार बत्तीसी निकालने और बैठाने की झंझट से पाइए मुक्ति। अब फिक्स बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगवाएं अपने ही शहर खंडवा में। जब डॉक्टर दिनेश गुजर हैं तो टेंशन किस बात की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंथाना रोड, खंडवा।